अस्सलाम वालेकुम, दो टोक के साथ मैं हूं वकारुल हसन। बलदियाती इंतखाबात का मार्का इंतहाई नज़दीक आ चुका है। 15 जनवरी, क्या इलेक्शन होंगे? अब तो इबहाम दूर होते जा रहे हैं और लगता ऐसा है कि जैसे अब 15 जनवरी को बलदियाती इंतखाबात हो ही जाएं, क्योंकि कुछ सियासी जमातों ने थोड़ी सी अपनी हलचल मचाना शुरू कर दी है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और साथ ही साथ तहरीक इंसाफ इस वक्त कुछ एक्टिव नज़र आ रहे हैं शहर कराची में, जो इस वक्त बलदियाती इलेक्शन की जानेब बढ़ रहे हैं। लेकिन एक और हलचल भी है और वह है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाक सरजमीन पार्टी और साथ ही साथ डॉक्टर फारूक सत्तार की भी। यह हलचल मच रही है गवर्नर हाउस के अंदर, और गवर्नर हाउस में होने वाली इस हलचल के हवाले से जितने इस वक्त इनके मुखालिफ हैं वो तमाम ये कह रहे हैं कि क्या साजिशें हो रही हैं, क्या कोई खिचड़ी पक रही है, क्या होने जा रहा है। बल्कि असद उमर हो या फवाद चौधरी, अली हैदर जैदी, वो सब ये कहते रहे हैं कि अच्छा है सब इकट्ठे हो जाएं ताकि एक साथ ही शिकार किया जा सके। क्या एक साथ शिकार करने की तमन्नाएं रह जाएंगी, या अगर ये सब मिल जाते हैं तो कराची का मंजरनामा फिर से एक बार फिर पुराना जैसा हमें नज़र आएगा, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या इस वक्त शहर कराची में इतने बलदियाती काम करा दिए हैं, या एक आम आदमी जो है वो मुस्तफीद हो चुका है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट डालने पर मजबूर होगा, या इस वक्त जो हमारे मोहतरम जमात इस्लामी, जिसको कहा जा रहा है कि वही वाहिद हल है, क्या उन्होंने शहर कराची के लिए इतनी भरपूर आवाज़ उठा ली है कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं वो मेयर कराची बन पाएंगे। इसी तरीके से अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए, क्या तहरीक इंसाफ ने इन 4 सालों में जो शहर कराची ने मैंडेट दिया था, वज़ीर आज़म भी कराची शहर से ही मुंतखब हुए और सीट छोड़ दी खान साहब ने, क्या शहर कराची मेयर PTI से मुंतखब करवाएगा, या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तमाम धड़ों को मिलाने के बाद उस मुकाम पे पहुंच पाएगी कि वो शहर कराची में मेयर अपना लाने में कामयाब हो जाएगी। और अगर ऐसा ना हुआ, शहर कराची के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ सियासी जमातों को वोट डाल दिया, तो कुछ रंगीन सी कुछ हमें काबीना नज़र आएगी, यानी कि जो बल्दियात होगी उसमें कहीं पे पीपल्स पार्टी के लोग होंगे, कहीं जमात इस्लामी के, कहीं तहरीक इंसाफ के, कहीं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, और कहीं और दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके भी नुमाइंदे जो हैं वो नज़र आएंगे। तो क्या ये सारे सियासी जमातें जो हैं मिलकर किसी न किसी एक को तो मेयर मुंतखब करेंगी, और वह मेयर मुंतखब होने के बाद क्या शहर कराची के लिए काम कर सकेगा? यह है असल सवाल, क्योंकि शहर कराची में मुख्तलिफ डायरेक्शन में जब लोग जीत के आएंगे तो क्या वो शहर कराची के लिए डिलीवर कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि एक काउंसलर किसी जमात का होगा और यूसी नाजिम जो है वो किसी जमात का होगा, तो क्या ये सारे एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर शहर कराची का मसाइल हल करने की कोशिश भी करेंगे, या ये रंग बिरंगी जो बल्दियात होगी वो शहर कराची के मसाइल को जू के तू रहने देगी, या इनके पास इतने अख्तियार होंगे कि वो शहर के मसाइल की तरफ सोच सकें या उन मामलात को आगे बढ़ा सकें, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना गुलजार ताज साहब, रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। राना साहब बेहद शुक्रिया आपका। इनके साथ जनाब डॉक्टर सुफवान मलिक साहब, PSP से ताल्लुक रखते हैं। सुफवान साहब, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। और अजीम अनवर साहब, रहनुमा जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हैं। जनाब बहुत अच्छी बात यह है कि इस वक्त वो सियासी जमातें मौजूद हैं जो कह रही हैं हम शहर कराची की तकदीर बदल देंगे, क्या ये तकदीर बदल सकेंगे? सवाल करते हैं सबसे पहले राना साहब से, क्योंकि इनकी दो सियासी जमात जो है 14-15 साल से बरसर इख्तदार है, बल्दियात भी इनके पास है, वाटर बोर्ड भी इनके पास है, तमाम इख्तियार इनके पास हैं और तमाम ताकत इनके पास है, क्या बल्दियात का होना भी लाजमी है शहर कराची में काम के लिए? राना साहब से जान लेते हैं। राना साहब कहिएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका आपके चैनल का शुक्रिया वकार भाई। देखिए वकार भाई, पहली बात तो ये है कि 15 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, मेरे अल्लाह ने चाहा, और कोई रुकावट अब नहीं है, सब मुत्तफिक हैं और इंशाल्लाह ये इलेक्शन होंगे, और मेयर जिसका भी हो ये आवाम का फ़ैसला है और हम सबको तस्लीम करना चाहिए। आपने बात की MQM और दूसरे दोस्तों की मुलाकातें, मोहब्बतें। देखिए जी, ये खुशाइन बात है, अगर सब दोस्त आपस में मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, इसमें हमें तो कोई ना नुकसान है ना फ़ायदा है, अच्छी बात है कि जो लोग ये बिखरे हुए हैं एक साथ हो जाएंगे और आपस में मोहब्बतें बांटेंगे, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, तो हम तो इनको खुशाइन की नज़र देखते हैं और अच्छी, मतलब हमारे लिए तो एक अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि सियासत में अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए, बहुत हो चुका, शहर पूरा अफरा तफरी की नज़र रहा
और हर किसी की अपनी अपनी पार्टी और मजीतें बनी थी। मैं समझता हूँ सबको एक जगह जमा कर रहे हैं, तो अच्छा माल है, इसमें बुरी बात नहीं है। पाकिस्तान चलो। पीपल्स पार्टी अपने हिस्से का काम कर रही है, इलेक्शन में जो उनकी कंपेन है, उनके जो चेयरमैन और काउंसिल जो भी हैं अपने अपने यूनियन काउंसिल में, वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आवाम में मोबिलाइज हो रहे हैं और आवाम को कोशिश कर रहे हैं कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कंपेन चलाई जाए और ठीक है, वोट का वोट उनसे लिया जाए। ठीक तो है। मैं समझता हूँ कि तमाम पार्टियों को, मैं समझता हूँ बायकॉट मसले का हल नहीं है, इलेक्शन में आना चाहिए और सबको आना चाहिए, और जिसको जो भी कुछ मिलेगा 15 तारीख को सब सामने आ सबके जाएगा। सामने आ तो जाएगा, इसमें ठीक मैं समझता हूँ बाइकाट या चीज़ें अच्छा अमल नहीं है, और ना ही इसमें कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ हो जो गैर कानूनी गैर अखलाकी हो। कानून के दायरे में रहते हुए तमाम काम होने चाहिए, और इलेक्शन का दिन जो है अल्लाह करे खुशलूबी के साथ गुजरे और उस दिन कोई भी ऐसा दंगा फिसाद ना हो जिससे आवाम की जान व माल को नुकसान हो। ये काबिले अफसोस बात होगी अगर ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा नहीं हुआ होना जी, चाहिए। क्योंकि जो तहरीक इंसाफ है वो कह चुकी है, ख़ासतौर पे फवाद चौधरी साहब हों या फिर अली जैनी साहब हों, कि कुछ खूनी मामलात नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसे मामलात हों, अल्लाह करे कि बख़ैर ख़ूबी जो है इलेक्शन अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। डॉक्टर सफवान साहब से बात करनी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि उनसे पहले जो है वो मैं अजीम अनवर साहब से बात कर लूँ कि जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि उसके बाद जो है डॉक्टर साहब से बहुत सारे सवालात बनते हैं, PSP से मुतालिक भी और आगे के फ्यूचर के हवाले से भी। इस वक्त अजीम भाई, ये सारी सियासी जमातें जो थी, जो बिखर गई थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अगर हम बात करें, अलग अलग सियासी जमातें बन गई थी, जमात इस्लामी क्या सोचती है, क्या इनके एक साथ होने से जमात इस्लामी को कोई खौफ, कोई परेशानी? अच्छा, सबसे पहले वकार, इसमें जो डिसोई साहब का रोल है, सबसे पहले तो डिसोई साहब का अपॉइंटमेंट ही एक सवालिया निशान है कि एक ऐसा शख्स जिस पर मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में मतलब काफ़ी केसेस ऑलरेडी जो है वो मौजूद हैं, और यहाँ भी लैंड ग्रेविंग के हवाले से जो है पाकिस्तान में उन पर ऑलरेडी केसेस इस्टेब्लिश हैं, उसके बाद एक ऐसे शख्स को गवर्नर के लिए MQM का नॉमिनेट करना, और चलें फिर आने के बाद उन्होंने एक बड़ा अच्छा जेस्चर जो है इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, और किसी हद तक जो है आवाम उसको कबूल भी कर लेती है जब इंसान किसी मनसब पर आता है। लेकिन उसके बाद जो एक गवर्नर का, देखिए गवर्नर तो एक वफाक का नुमाइंदा होता है, वफाक की अलामत होता है, तो वो पार्टी से बालातर होकर जो है ना उसके इकदाम होते हैं शहर की रिफॉर्म के लिए, कराची से हैं, कराची की रिफॉर्म के लिए, या पाकिस्तान के हवाले से हम कोई इनकी स्ट्रगल देखते तो हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते, लेकिन हम देखते हैं कि गवर्नर हाउस में तो साजिशें शुरू हो गई, और सबसे पहले जो है इलेक्शन के हवाले से जो है वो कदगन लगाने की कोशिश की गई, और इस हवाले से जो है पूरा एक साजिश का गढ़ बना हुआ है इस वक्त गवर्नर हाउस, और वहाँ पे किसी तरीके से इलेक्शन से भागने के हवाले से पूरी कोशिशें कर रहे हैं, पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं। गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप देखें जून में ही इलेक्शन हो गए थे हैदराबाद में, और हैदराबाद क्या नाम, जो सिंध का बकिया हिस्सा है, और बाकी आपके जुलाई में इलेक्शन होने थे, 3 दफा मुलतवी, वहां का भी अभी मामला रुका हुआ है, वो सिर्फ इलेक्शन हो गए उसको वो सारी मामला विधल्ड है, वहां भी कोई बलदियाती निजाम जो है चल नहीं रहा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उसकी अव्वल दिन से ये ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन एक ऐसा प्रेशर और हाइप डेवलप हुआ और अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है उनका एक स्टैंड नजर आ रहा है, गो के वो इसकी आड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हलका बंदियां या वोटर लिस्ट है, गो के इसी वोटर लिस्टों पर MQM ने पिछले इलेक्शन भी इंतखाबात भी लड़े, और इस ना सिर्फ इंतखाबात लड़े बल्कि जब ये कराची की मरदमशुमारी के हवाले से जमात इस्लामी एक अरसे से आपको पता है स्ट्रगल कर रही है और वोटर लिस्टों के हवाले से, लेकिन बहरहाल इलेक्शन को हम रोक नहीं सकते, एक सिस्टम का, इट्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आप सिर्फ वो ये कहते हैं ना कि वोटर लिस्टें तो बहाना है, असल जो निशाना है वो इलेक्शन है बेसिकली, किस तरीके से इसको मौखर किया जाए, ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो MQM का ग्राफ है वो वाजे नजर आ रहा है, जितने सर्वेज आ रहे हैं मतलब MQM जो 28-30-35% पर होती थी वो जो है इस वक्त 3-4% जो उनकी पॉपुलरिटी का कराची में ग्राफ है, और इसके अलावा जो उनकी परफॉर्मेंस रही है माजी में कराची में, तो उनकी परफॉर्मेंस ने उनको टोटली जो है ना वो पूरी पार्टी आप देख लें कितनी बदनजमी का शिकार है, वरना MQM का जो एक स्टांस हुआ करता था शहर के अंदर तो वो चीज नजर नहीं आ रही। तो इस वक्त जमात इस्लामी का यही मौकफ है कि इलेक्शन के हवाले से जो सबसे अहम बात है, जो आपने खूनी इंतखाबात की बात की, तो देखें इस तरह की जो है ना पैनिक और रूमर्स करना ये भी एक अच्छा जस्टर नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लोगों को एतमाद देना चाहिए। दूसरी बात देखें, ये इलेक्शन कमीशन का हक है, राइट है, अख्तियार है कि वो जो आर्टिकल 220 के तहत जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको इंगेज कर सकती हैं। देखें
आप पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हुए जो 2018 के इंतखाबात हुए उसमें जो आर्मी के जो जवान थे वो हर वो पोलिंग बूथ तक मौजूद थे। ठीक है, तो जमात इस्लामी का ये मुतालबा है आप बूथ में डिप्लॉय ना करें लेकिन एक पोलिंग स्टेशन के बाद बूथ एक्टिविटीज में आप एंगेज ना हो। गो के जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है वो ये कह रही है कि भाई हम पर इल्जाम देखें, आप पे जो आपका रोल है वो तो आप प्ले करें, आपका रोल है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पोलिंग स्टेशन में, आपका एक रोल है। हाँ, अगर आप बूथ के अंदर जाके एंगेज होते हैं तो आप पर सवाल उठते हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी को डिप्लॉय करना चाहिए और ये जो तख्सीस है कि ये हसास पोलिंग स्टेशन पूरी कराची में, जब पूरे पाकिस्तान में काम हो सकता है तो कराची में क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, अब मैं जरा डॉक्टर साहब से जरा दो हाथ कर लूं। डॉक्टर साहब क्या होने जा रहा है पहले तो ये फरमाया, और साजिशें कर रहे हैं आप पूरे पाकिस्तान के खिलाफ, बिस्मिल्लाह, वो भी गवर्नर हाउस में बैठ के। अब वकार भाई देखें कि अगर तो इसके दो रुख हमें समझने चाहिए कि अगर तो एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है कि अगर कराची के वसीतर मफाद में कराची के लोगों के लिए अगर कुछ लोग मिलकर डेफिनेटली अगर अपनी वर्किंग कुछ अपना काम करना चाह रहे हैं तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन अगर इसको कुछ भी खास तबका या खास गिरोह या खास जमात के लोग अगर इसको साजिश का नाम देंगे तो फिर तो हमारी इस वाली बात को तकवीत मिलती है कि भाई ये जो काम हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा मुखालिफ इस बात से परेशान है और उसको साजिश का नाम देता है या उसको किसी और दुश्मनी का नाम देता है तो मैं समझ रहा हूँ कि फिर हम सही सिमत की जानिब गामजन है, सही राह की जानिब गामजन है। और मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में कराची के लिए बहुत बेहतर फैसले होंगे और कराची जिस तरह पहले ये शहर रोशनियों का शहर था उस तरह वापस हम इस शहर की रोशनियों को इंशाल्लाह बहाल करेंगे। जिस तरह आपके आपके इल्म में ये चीज़ें कि जब मुस्तफ़ा कमाल इस शहर के नाजिम थे तो ये शहर दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शुमार था, तो आज भी इंशाल्लाह वो वक्त बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि ये शहर उसी तरह तरक्की की राह पर गामजन होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये जब ही हो सकेगा जब आप सब मिल जाएं या फिर आप अलग से भी तरक्की पे ले जा सकते हैं? नहीं, अभी तो देखिए हम आपके सामने आपके इल्म में है तमाम चीजें जो मर्जर के हवाले से चीजें चल रही हैं, तो डेफिनेटली हम हमारा उनसे देखें ये शहर अब इस वक्त आपके सामने ना मसाइल का गढ़ बन चुका है। अच्छा, जिस वक्त पाक सरजमीन पार्टी बनी थी उस वक्त कराची वालों को दरपेश चैलेंजेस मुख्तलिफ थे। 3 मार्च 2016 को यहां पर ऑन एवरेज 20 बंदे लापता भी हो रहे थे, 20 बंदे मारे भी जा रहे थे। ऑन एवरेज जो बंदा अपने घर से निकल रहा था वो सेफली सिक्योरली रिटर्न नहीं हो रहा था, या तो वो मारा जा रहा था या लापता हो रहा था। तो अब ग्रेजुअली हमने इसके अंदर एक अपना रोल प्ले किया, लेकिन आज जो चैलेंजेस हैं वो कंप्लीटली इंटायरली डिफरेंट हैं। आज ये चैलेंजेस हैं कि सूबे में 2.5 लाख नौकरियां दी गई, उसमें एक भी कराची हैदराबाद वाला नहीं है। आज ये चैलेंज है हमें कि हमारे दरवाजों घरों में पानी नहीं आ रहा, हमारे घरों से सीवरेज का सिस्टम जो है वो प्रॉपरली फंक्शनल नहीं है, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, हमारे पास सड़कें नहीं है, अस्पतालों में हमारे पास दवाएं नहीं है, स्कूल में हमारे पास एजुकेशन नहीं है। हम दिन ब दिन बतदरीज शहर सिरते वापस का सफर तय कर रहा है। आपस में मिलने के बाद शहर कराची को ये मसाइल हल कर सकेंगे? फॉर श्योर इंशाल्लाह। देखें, डेफिनेटली जब इतना बड़ा स्टेप हमारी पार्टी की लीडरशिप ले रही है तो डेफिनेटली कोई विजन है इसके पीछे, कोई स्ट्रेटजी है इसके पीछे, कोई सोच है इसके पीछे। और वो सोच यही है कि देखें इस वक्त कोई भी एक जमात इस शहर को मसाइल से नहीं निकाल सकती जिस तरह ये मसाइल का गढ़ बन चुका है। और अगर आपस में ही लड़ पड़े तमाम लोग दोबारा से जाके देखें, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स जब होंगी, और अब ये मौका नहीं है ये वाली बातें करने का। जैसे मैंने आपको कहा कि शायद हो सकता है साल 2016 में 17 में जिस तरह पहले भी एक इत्तेहाद की कोशिश हुई थी साल 2017 में और वो किसी वजह से सबोटाज हो गई, बट द पॉइंट इज कि आज जितनी ये इस वक्त की जरूरत है इससे ज्यादा जरूरत और हो नहीं सकती। ठीक है, यानी कि अगली दफा जब आपसे प्रोग्राम में बात होगी तो हम आपको मुत्तहिदा कौम का रहनुमा कह सकते हैं पीएसपी के बजाय। इसको थोड़ा सा वक्त दे देंगे। ठीक है, अच्छा राणा साहब, आप कह रहे हैं कि इस वक्त जो है अच्छी बात है इत्तेहाद हो जाए, दीगर सियासी जमातें उनको भी आपस में मिल बांट के काम करना चाहिए। मेयर कराची के हवाले से कहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से, बिलावल साहब ने भी कहा कि जियाला जो है वो शहर कराची का मेयर होगा। अगर आप तमाम इत्तेहाद के साथ चल रहे हैं, मामलात को लेकर चल रहे हैं, तो क्या आप ये कहना चाहिए था, मुनासिब था कि जो जीतेगा वो मेयर बनेगा और जो मेयर बनेगा उसको मुकम्मल इख्तियार दिए जाएंगे, या ये कहना कि वो जियाला होगा? देखिए जी, जब हर आदमी दावा करता है तो पीपल्स पार्टी भी दावा करती है कि जियाला मेयर होगा, बिल्कुल हमारा कारकुन मेयर होगा, और सभी मतलब है कि एक दावा करते हैं तो ये दावे की हद तक मतलब नहीं। देखें, बात ये है, मैंने आपसे कहा फैसला तो आवाम की दी हुई कुव्वत पर ही होगा। जब 15 तारीख को आवाम जिसको भी मुंतखब करेगी तो मेयर उसी ही जमात का होगा और होना भी चाहिए, और उसको फुल फ्लैश इख्तियारात भी होंगे। और पीपल्स पार्टी का मेयर हो या पीएसपी या जमात इस्लामी किसी का भी, तो सिंध गवर्नमेंट बाकायदा उसको गले लगाएगी और उसकी आवाम की राय का एहतराम हम करते हैं और करेंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपसे फिर गुजारिश की है कि शहर को अफरा तफरी की ज़रूरत नहीं है, शहर को अमन की जरूरत है। अच्छा, लेकिन पीसफुल तरीके से वोटिंग की जरूरत है। जो लोग कहते हैं कि जी
हालात खराब होंगे, उनके और कोई इस तरह अजाइम की नहीं बात होंगे, करनी चाहिए बिल्कुल। उनके अच्छा कोई लेकिन नाना अजाइम साहब, होंगे इन चीजों हाँ के पीछे, तो उनको भी चाहिए कि वो ऐसी ठीक। गुफ्तगू ना अच्छा करें। रान तो साहब, इसमें एक और चीज भी आ रही है कि शहर कराची जो है वो 14 सालों से आप ही के पास है। आज मैं जब आ रहा था तो कैंपेन आपकी चल रही थी, एक जगह कैंप लगा हुआ था, नीचे सवरेज का जो पानी था वो मौजूद था, गढ़े मौजूद थे, और वहां पे आपके जो कारकुनान है वो खुशी में झूम रहे थे, डांस कर रहे थे। तो बड़ी हैरत हो रही थी कि वो ये सब चीजें देखते हुए भी अगर नाच रहे डांस करें इसका मतलब वोट तो पड़ जाएगा आपको, लेकिन क्या उनकी खुशियों को बरकरार रखने के लिए काम किया भी जाएगा या नहीं? नहीं, देखें, मैं आपसे गुजारिश करूं कि शहर में बेशतर जगह पर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, और जाहिर है कि आप ये कराची यूनिवर्सिटी वाला रोड भी देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी एक बस की सिस्टम शुरू हो रहा है। इस तरह शहर में बहुत सारी जगहों पे, तो जाहिर है कि अब ऐसा नहीं हो रहा कि भाई पहले सड़क बना दी और बाद में, अब पहले सिवरेज सिस्टम को ठीक किया जा रहा है, बाद में सड़क बनाई जा रही है। तो जाहिर है वहाँ अगर होगा तो वहाँ डेवलपमेंट का काम हो रहा होगा, और मैं समझता हूँ कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी हुआ, गलती भी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि अब गलतियों की गुंजाइश नहीं बिल्कुल है। सर, शहर की आवाम बिल्कुल को सर। तहफ़ भी चाहिए और खिदमत भी चाहिए, और उनके जो मुश्किल हैं उनको दूर करना होगा। और पीपुल्स पार्टी अगर दावा करती है तो जाहिर है उनके पास ये प्लान है आवाम की खिदमत का, और किया भी है। तो इंशाल्लाह आवाम बिल्कुल ठीक पीपुल्स पार्टी को वोट दे, और हमारी गुजारिश है आवाम से कि वो पीपुल्स पार्टी को वोट दे। हर पार्टी अपने ही जमात को कहती है, लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सर, आवाम की जमात है। हम इस्टेब्लिशमेंट पर यकीन नहीं ठीक है रखते, सर। आवाम की कुव्वत पर यकीन सर रखते हैं। मैं चाहूंगा दीगर लोगों का भी मौकफ आ जाए, लेकिन एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानेंगे कि जमात इस्लामी जो है वो किस बुनियाद पे कह रही है कि गवर्नर हाउस में साजिश हो रही है, और अगर ऐसा है तो क्या जमात इस्लामी को अपनी तैयारी पे यकीन नहीं है, और अगर मुत्तहिद कौमी मूवमेंट जो है वो तमाम के तमाम मिल रहे हैं तो मिलने के बाद उनका अगला प्लान है क्या, वो भी हम जानेंगे। एक ब्रेक है, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।